बीजोपचार करने के लिए मुख्यतः चार प्रकार की दवाएं आती हैं, जिसमें पहला है फंजीसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड, तीसरा नेमेटिसाइड और चौथा होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चौथे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंतर्गत आने वाले ह्यूमिक एसिड से बीजोपचार व उसके फायदे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। ह्यूमिक एसिड आपको मार्केट में बहुत सारी मात्राओं में मिल जाएगी, लेकिन जब आप बीजोपचार के लिए इसका प्रयोग करें तो ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम 80% की मात्रा में ह्यूमिक एसिड हो। 98% या 95% मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ह्यूमिक एसिड एक जैव पौधवृद्ध सहायक है। जब आप इससे बीजोपचार का काम करते हैं तो पौधे हरे भरे व स्वस्थ रूप से जमाव लेते हैं तथा पूरी फसल चक्र के दौरान हरे भरे ही बने रहते हैं। पौधों में कलियों का फुटाव बहुत अच्छा हो जाता है। ह्यूमिक एसिड से बीजोपचारित पौधों के फूल झड़ते नहीं हैं, फलों को आकार बेहतरीन मिलता है और उसको बढ़वार भी प्रदान करता है, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। बात करें बीजोपचार में ह्यूमिक एसिड के प्रयोग के मात्रा की, तो 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। ह्यूमिक एसिड के दाने हल्के चमकदार काले रंग के होते हैं। ह्यूमिक एसिड से बीजोपचार करते वक्त आपको प्रोडक्ट का नाम देखने की या कंपनी देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको प्रतिशत मात्रा देखने की कि कितने प्रतिशत में हमें ये मिल रहा है। बाकी ह्यूमिक एसिड पर और ज्यादा जानकारी मैं आपको एक अलग से और एपिसोड ह्यूमिक एसिड के बारे में लेकर के आऊंगा, उसमें आपको और ज्यादा जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपसे चाहूंगा इजाजत। मिलता हूँ आपको अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो यार। करो करो अभी करो।